हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आप सभी के लिए, आप जानते हो कल बुर्ज खलीफा शो हुआ था, एंड बुर्ज खलीफा शो में अगर आप देखा हो तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे बहुत कुछ शोकेस किया गया था, एंड इसके अलावा और भी कुछ अपडेट्स है, जाम्बिया का न्यूज़ वगैरह है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। एंड वो कनेक्ट में भी अपडेट आ चुका है, एक लाइव अपडेट्स, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे आपको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे। तो कल रात में बुर्ज खलीफा शो हो रहा था, एंड रात को 10 बज जैसे भी टाइम बोला गया था उसी टाइम पे बुर्ज खलीफा शो भी हुआ, एंड बहुत अच्छा शो हुआ, जो हमारा शो होना चाहिए था। ठीक है, तो एक्चुअली तकदीर अवार्ड के साथ हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके बारे में भी वहाँ पे शोकेस किया गया था। एक्चुअली तकदीर अवार्ड के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या पार्टनरशिप हुआ है, एंड इसका फ्यूचर क्या है, वर्कलोड, मतलब जो एम्प्लॉयज़ वगैरह उसके लिए हम काम कर रहे हैं, जो दुबई है, दुबई से वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, वही बात वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था। एंड द लास्ट लाइन बहुत अच्छा था, वो था वी दुबई इज़ द वर्ल्ड। ठीक है, तो बहुत अच्छा था, सच में दुबई वर्ल्ड है, दुबई से कुछ हो रहा है, मतलब पूरा दुनिया जान रहा है। ठीक है, अगर अभी दुबई ऐसा बन गया कि दुबई इज़ द वर्ल्ड, मतलब अगर दुबई पे चले गए हो तो वर्ल्ड का आधा अच्छी सब देख लियो, ऐसी बात है। मतलब हर एक वर्ल्ड का जो जितना भी कंट्री है, सबसे लोग दुबई पे घूमने के लिए आते हैं, ऐसा ट्रैवलिंग टूरिस्ट स्पॉट बनाया दुबई को, तो सब लोग वहाँ पर आते हैं। आप वहाँ पर जाओगे तो बहुत बहुत ज़्यादा कुछ देख पाओगे, तो सच में बहुत अच्छा जगह है दुबई। एंड दुबई पर हर एक मार्केटिंग सबसे हाफ बता सकते हो, क्योंकि लोग हैं, लोग अगर बाहर से आ रहे हैं तो ग्लोबल कंपनी के मार्केटिंग का मेन पॉइंट होता है दुबई, तो इसलिए हम भी दुबई से स्टार्ट किए हैं, एंड एक 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 करके हम पार्टनरशिप में भी जुड़ गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सेकेंड हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ के बारे में, सेकेंड हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक वो है हमारा जाम्बिया वाला। जाम्बिया वाला क्या है, जाम्बिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है जाम्बिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या है? तो हमारा मोहम्मद कमल सर, कौन है मोहम्मद कमल सर, एंड इसके साथ कौन है, इसके साथ है सुजन एलकलिनी मैम। कौन है सुजन एलकलिनी मैम, तो ये दोनों मिलके गए थे, कहाँ पर, ये दोनों मिलके गए थे जाम्बिया। एंड जाम्बिया पे जाके, ये हमारा डेलीगेशन है, जाम्बिया गया के क्या किया वो हमको बता सकते हैं कि ए हाई लेवल डेलीगेशन फ्रॉम ऑन पैसे, मतलब डेलीगेशन मतलब कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इंजीनियर मोहम्मद कमल, कंपनी का सीईओ, एंड प्रोफेसर सुजन एलकलिनी, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ओ मीडिया, द ओ मीडिया इज द आर्म ऑफ ऑन पैसिव ऑब्वियसली, विजिटेड जाम्बिया डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, जाम्बिया डेवलपमेंट एजेंसी, तो वहाँ पर वेडनेसडे नवंबर 15 को मीट किया, तो वहाँ पर गए थे। एंड द डेलीगेशन मीट कर, उसके साथ मीट किया, आपको पता है हाई लेवल अथॉरिटी कौन है, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ कि एजेंसी का जो डायरेक्टर है, एकदम मतलब एजेंसी का जो हेड है, डायरेक्टर जनरल जिसको कहता था, एकदम हेड, उसके साथ मिले, उसका नाम है मिस्टर एल्बर्ट हलवाम्पा। ठीक है, उसके साथ मिले हैं, इसके साथ जाम्बियन का एम्बेसडर है जो इजिप्ट पर, ठीक है, इजिप्ट पे जो जाम्बिया का एम्बेसडर है उसके साथ मिस्टर जीन टोपले, ठीक है, उसके साथ उन्होंने मीट किया। एंड जाम्बियन डिप्लोमेट्स थे एट द जाम्बियन एम्बेसी इन कायरो, वो भी था। तो ड्यूरिंग द मीटिंग, ये मीटिंग जब चल रहा था, दे डिस्कस्ड कोऑपरेशन एंड प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बिटवीन ऑन पैसिम एंड जेडीए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी सोल्यूशन एंड नेटवर्क। तो उन्होंने ये जब मीटिंग चल रहा था उसमें बात की कि ऑन पैसिव एंड जेडीए के बीच में कोलैबोरेशन हो सकता है, एंड इसमें हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है कंपनी का, मतलब हमारा जाम्बिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी के सोल्यूशन में उसका क्या फ़ायदा है, वो हमारा कंपनी का डेलीगेशन जो था वो समझाया। एंड शायद मुझे तो लग रहा है वो डील क्रैक ही हो गया, जो बात करना चाह, जो पार्टनरशिप हो रहा था तो वो तो कंप्लीटेड हो चुका है। तो ऐसे करके बहुत कुछ हो रहा है बैकएंड पे।
आपको और भी चीज़ एक बताना था एक्चुअली नजल सर के बारे में, उस वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन बाहर आया, मैंने आपको बाद में बता दूंगा, शायद आज या कल आपको नजल सर के बारे में वो वाला वीडियो शेयर कर दूँ। मेरे पास वीडियो है एक्चुअली, एसर आ गया तो इसलिए वीडियो शेयर नहीं कर पाया, तो बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगा वो वाला वीडियो। अभी हम बात करेंगे ओ कनेक्ट के बारे में। तो ओ कनेक्ट में अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, हमारा जो लाइव यूट्यूब लाइव करने का ऑप्शन आ चुका है ऑलरेडी, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। मैंने जब देखा था एक्चुअली कल रेड साइन ने भी ट्राई किया था, तो आप अगर अभी जाके देखो कैसे है वो ऑप्शन, क्या है, क्या इसे काम करें वो देखो, ठीक है, अच्छा लगेगा। आशा कर तो आपके फीचर्स वगैरह जो है अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड अपडेट अगर आपके साथ आता है तो अपडेट करो, प्ले स्टोर में अपडेट चाहिए तो अपडेट करो, हाँ ठीक है। ऑप्शन अगर आया था, अगर आप ये भी हो सकता है कि टेस्टिंग के तौर पे अभी उठा भी लिया हो, ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये नहीं है कि अभी है, मैंने बोला था कल जब देखा था तब बोला था, बोल रहा हूँ अभी, शायद अभी रिमूव कर दिया गया है, बाद में फिर ऐड करेगा, ठीक है। ऐसे पैनिक नहीं करना चाहिए, मैं जब बोल रहा हूँ मतलब हुआ था, लेकिन हो सकता है अभी कार्ड पेमेंट के जैसे हो कि मैंने वीडियो छोड़ा उसके बाद ही कार्ड पेमेंट गायब हो गए, फिर दो दिन से कार्ड पेमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कल मैंने भी जब वीडियो बना रहा था तब भी मैंने आपको बता दिए थे कार्ड पेमेंट तब भी नहीं हो रहा था, ठीक है। अभी मैं जब वीडियो अभी बना रहा हूँ सुबह में, अभी मैंने टेस्ट नहीं किया एक्चुअली, फिर आपको करके बता देता हूँ कि अभी जो पेमेंट वगैरह है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कार्ड पेमेंट्स वगैरह नहीं हो रहा है, मैंने अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तभी चेक कर रहा हूँ, तो सिर्फ क्रिप्टो का ऑप्शन आ रहा है, कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कार्ड पेमेंट रिगार्डिंग शायद काम चल रहा है, ऑब्वियसली वो वॉल्यूम एडिशन एंड मार्जिन रिगार्डिंग जो काम है वो चल रहा है, एंड वो जब खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके बस वो ऑप्शन कार्ड पेमेंट्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारा कंपनी में बहुत सारा जगह हमारा एग्जीक्यूटिव जा रहा है, एंड वो पार्टनरशिप कर रहा है, स्ट्रेटजिक पार्टनर बन रहे हैं, लेकिन वो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ये आपको मैं बता सकता हूँ कि देखो नजल सर ने और एक जगह कहा था, वहाँ पर फिर से स्ट्रेटजिक पार्टनर बने हैं हम, ठीक है। जैसे हम पहले बने थे तकदीर अवार्ड का, या वुमेन बिजनेस काउंसिल का, या लास्ट टाइम हमारे जैसे बने थे वैसे और भी एक जगह हम पार्टनरशिप बने हैं, और इजिप्ट में भी बने थे, तो ये अभी दुबई पे भी और एक बार जगह पर पार्टनरशिप बने, वो आपको पता नहीं चला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको विद वीडियोस, ये नहीं कि फोटोज, विद वीडियोस आपको बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे पीछे देखो ये नवंबर 15 वाला जो कल जाम्बिया वाला न्यूज़, ये वो मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से आए, तो कहीं कहीं जगह से कहीं कहीं न्यूज़ बाहर निकल के सामने आ रहा है, एस सर एक्चुअली आ नहीं रहा है, इसलिए एस सर के मुंह से पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ न्यूज़ सच है, एंड हमारा कंपनी से ऑथेंटिक न्यूज़ आ रहा है। तो अगर आप ऐसे न्यूज़ चाहते हो, सुनना चाहते हो, कंपनी कहाँ क्या पार्टनरशिप कर रहा है, किसके किसके साथ क्या हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भी अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत